वेद भगवान को प्रणाम करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य रहा कि वेद में अनेक विषयों का उद्घाटन किया बहुत बड़े विद्वान समीक्षा चक्रवर्ती पंडित मधुसूदन ओझा ने, जो जयपुर के थे और जिन्होंने विश्व भर में जयपुर का झंडा फहराया, वेद विज्ञान का झंडा फहराया और नाम रोशन किया। उनके उस वेद विज्ञान के आधार पर बहुत बड़ा काम करने वाले अनेक विद्वानों का झुंड जयपुर में रहा, काशी में रहा, जिसमें हम अनेक लोगों का नाम भलीभांति जानते हैं, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, मोतीलाल जी शास्त्री, इन सब का नाम जानते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है जो मधुसूदन ओझा जी के शिष्य भी रहे और उनके अनेक आयामों पर अध्ययन करके ग्रंथ प्रणयन भी जिन्होंने किया, वो थे स्वामी सुरजन दास जी। ये दादू पंथ के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने वेद विज्ञान का, ब्रह्म विज्ञान का अध्ययन पंडित मधुसूदन ओझा जी से किया और वे स्वयं अनेक जगह अध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे, विभागाध्यक्ष रहे। सुरजनदास जी स्वामी यहाँ दादू महाविद्यालय में रहे, उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में रहे, जोधपुर विश्वविद्यालय में रहे और उन्होंने मधुसूदन ओझा जी के अनेक ग्रंथों का बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन कर प्रणयन किया, अनेक ग्रंथों का संपादन किया। अच्छी बात यह है कि सौभाग्य रहा कि सुरजनदास जी स्वामी की पुण्यतिथि आती है 5 अगस्त को, तो यहाँ जो विश्व गुरुदीप आश्रम का शोध संस्थान है उसने यह योजना बनाई कि हम जन्माष्टमी पर मधुसूदन ओझा जी की जयंती मनाएं, तो इसी प्रकार उनके परम शिष्य सुरजनदास जी स्वामी की पुण्यतिथि भी मनाएं। सुरजनदास जी स्वामी ने वेद विज्ञान पर अनेक ग्रंथ लिखे और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। मैं हर बार ये कहता हूँ कि मधुसूदन ओझा जी ने 3 अछूते विषयों को उजागर किया। एक विषय है विज्ञान, वेद में विज्ञान है ये उन्होंने बताया। दूसरा ये वेद में इतिहास है ये उन्होंने बताया। तीसरा उनकी उद्भावना थी कि भैया कौन कहता है कि वेद में केवल मौखिक ही लेखन हुआ, लिपि नहीं थी, वर्णमाला नहीं थी, वर्णमाला भी थी और लिपि भी थी, ये उनकी उद्भावना थी। उस पर उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उसका नाम है पथ्यास्वस्ति। उसमें अनेक नई बातें बताई जो विश्व को मालूम नहीं थी और इसमें डंका बजा पूरा जयपुर का और वेद विज्ञान का और पंडित मधुसूदन ओझा का। पथ्यास्वस्ति में उन्होंने बताया कि भैया हमारे यहाँ ऋग्वेद के समय से लिपि भी थी, कौन कहता है कि लिपि नहीं थी, केवल मौखिक रहा और लिपि तो ग्रीस में पैदा हुई। उन्होंने कहा लिपि का नाम था पथ्यास्वस्ति, वर्णमाला का नाम था ब्रह्म राशि, और ये मानना पड़ा क्योंकि ब्रह्म राशि तो ऋग्वेद प्रातिशाख्य में भी लिखा है, ब्रह्म राशि हमारी वर्णमाला है। फिर तो इस प्रकार का काम किया, पथ्यास्वस्ति नाम के ग्रंथ का बहुत सुंदर संपादन, अनुवाद, भाष्य लेखन किया वंदनीय श्री सुरजनदास जी स्वामी ने। सुरजनदास जी स्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे, रस सिद्धांत का शास्त्रीय विवेचन नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा, तो वो तो साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, किंतु वेद विज्ञान से संबंधित ग्रंथ पथ्यास्वस्ति का जब उन्होंने संपादन किया तो सब जगह उनका डंका बजा और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जोधपुर में बराबर वे रहे, उनके अनेक शिष्यों ने उनका स्मरण किया, इसलिए ये बहुत सौभाग्य की बात रही कि इस वर्ष पंडित सुरजनदास जी स्वामी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया गया, उन पर अनेक भाषण प्रसारित किए गए, उनके ग्रंथों का स्मरण किया गया। इस दृष्टि से आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन सब विद्वानों को जिन्होंने उनके विभिन्न विषयों पर भाषण दिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद प्रदान